फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, log ऑफ 3/4 बेस में है, उसके आर्ग्यूमेंट में है log ऑफ x² प्लस 7 बेस 8 प्लस log ऑफ हाफ log ऑफ 1/4 x² प्लस 7 टू द पावर ऑफ -1 इज -2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि log ऑफ x² प्लस 7 टू सम बेस को हम कुछ कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, अब वो बेस दोनों में सेम होना चाहिए, तो क्या मैं दोनों को सेम बेस पे कन्वर्ट कर सकता हूँ? लेट्स ट्राई इट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 3/4 log ऑफ x² प्लस 7 टू द बेस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 कॉमन आ जाएगा, 2³ 3 कम्स आउट। ठीक है, प्लस log ऑफ 1/2 बेस। अब देखो 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 4⁻-1, ये -1 ये -1 बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, log हाफ log ऑफ x² प्लस 7। ठीक है, तो ये बचेगा 4। अब 4 को मैं लिखता हूँ 2², तो हाफ बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाले टर्म को मैं कुछ अल्फा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है log ऑफ x² प्लस 7 टू द बेस 2 को अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये लिखा हुआ है log ऑफ अल्फा बाई 3 टू द बेस 3/4 प्लस log ऑफ अल्फा बाई 2 टू द बेस ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल है? -2 के इक्वल है। ठीक है, डू आई मेक सेंस? करेक्ट। अब देखो इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं log ऑफ अल्फा बाई 3 अपॉन log ऑफ 3/4 प्लस log ऑफ अल्फा बाई 2 अपॉन 1/2 इक्वल्स टू -2। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, मैंने इसी स्टेप में दोनों स्टेप कर दिए। ठीक है, चलो देखो व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट लॉग ऑफ अल्फा बाई 3/4 टू अ कॉमन बेस। तो ये कुछ भी हो सकता है कॉमन बेस, है ना। अभी हम इसको एम्प्टी रख रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कीप इट एम्प्टी एट द करंट स्टेज इन टाइम, लेटर विल एज्यूम द बेस। ठीक है, तो ये लॉग अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1/2। ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा लॉग ऑफ अल्फा माइनस लॉग 3 अपॉन लॉग 3 माइनस लॉग 4 प्लस log अल्फा माइनस log 2 अपॉन log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2, तो ये तो हमेशा ही 0 होगा। ठीक है, इक्वल्स टू -2। अब देखो किस बेस पे एज्यूम करना मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा? अगर 3 में रखता हूँ तो 2 सिंप्लीफाई हो जाएंगे, अगर 2 रखता हूँ तो 1, 2, 3 सिंप्लीफाई होंगे। सो इट वुड बी बेटर फॉर मी टू टेक इट एज बेस 2। तो लेट्स टेक बेस एज 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log अल्फा टू द बेस 2 माइनस log 3 टू द बेस 2 अपॉन log 3 टू द बेस 2 माइनस log 4 टू द बेस 2 इज 2 प्लस log अल्फा टू द बेस 2 माइनस 1 अपॉन -1। ठीक है, इक्वल्स टू -2। अब जब मैं ये वाली चीज को इस साइड लेके जाऊंगा, सी दिस इज नथिंग बट माइनस रिटन ओवर हियर, सो व्हेन आई टेक दिस होल थिंग ऑन दैट साइड दिस विल बी द +1। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 प्लस log अल्फा बेस 2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log अल्फा बेस 2 माइनस log ऑफ 3 बेस 2। अब क्या मैं इसको राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ डिनोमिनेटर को? यस आई कैन। तो ये आ जाएगा log ऑफ 3 बेस 2 माइनस 2 इक्वल्स टू दिस। तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है log ऑफ 3 बेस 2 2 माइनस 2 इन टू लॉग ऑफ अल्फा बेस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू लॉग ऑफ अल्फा बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 3 बेस 2। करेक्ट। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आएगा? देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा log ऑफ 3 बेस 2 log ऑफ अल्फा बेस 2। ठीक है, माइनस 2 log अल्फा बेस 2। करेक्ट, माइनस 3 log ऑफ 3 बेस 2। करेक्ट, प्लस 6 और यहां पे क्या आ जाएगा log अल्फा बेस 2 माइनस log 3 बेस 2। अब देखो log अल्फा बेस 2 log अल्फा बेस 2, करेक्ट, और log अल्फा बेस 2, इन सबको एक साइड कंबाइन कर लेंगे तो ये आ जाएगा -2, इधर जाएगा +2 +1, सो 3 log अल्फा बेस 2। और अगर अल्फा बेस 2 मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ से बाहर तो मेरे पास क्या बचेगा? देखो इफ आई टेक log अल्फा बेस 2 कॉमन तो यहाँ पे बच रहा है 3 log ऑफ अल्फा बेस 2, ये और ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट माइनस log ऑफ 3/2 log ऑफ अल्फा बेस 2 इज इक्वल्स टू, if I take this on the right hand side, ये भी चीज खत्म है। If I take this on the right hand side, what you'll get? -3 log 3 base 2 -3, तो ये प्लस हो जाएगा तो बचेगा क्या? 6 -2 log of 3 base 2। So can I simplify from here something? देखो log of alpha base 2 log alpha base 2 कॉमन लिया, बचा क्या 3 माइनस लॉग 3 बेस 2 और यहाँ क्या बचेगा अगर आप 2 कॉमन लेंगे 3 माइनस लॉग ऑफ 3 बेस 2 तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपका बच गया अल्फा इक्वल टू 4 लॉग अल्फा बेस 2 इज 2 सो अल्फा इज 4 अब अल्फा आपका 4 है ठीक है तो जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें अल्फा 4 है तो आपने एज्यूम किया था लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू द बेस 2 इज 4 तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7 विल बी 16 तो x square will be 9 तो x will be plus or minus 3 so note this down ठीक है x का वैल्यू प्लस और माइनस 3 है चेक कर लेंगे आप सी यहाँ भी x square है यहाँ भी x square तो हर जगह चलेगा ठीक है so what we'll have x as plus or minus 3 both are acceptable note this down then we'll be going for 11th question and if you go through 11th question you'll come to know that ये type का question हमने already solve किया हुआ है ठीक है I will not be solving it again I will be telling you how to do it see यहाँ 4 है यहाँ पे 2 है ठीक है तो क्या मैं इसको 4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे ये 4 हो जाएगा तो x माइनस 3 स्क्वायर इज x माइनस 1 सॉल्व द क्वाड्रेटिक गेट द रूट्स चेक इफ इट इज सेटिस्फाइड और नॉट ठीक है नोट दिस डाउन देन विल बी गोइंग फॉर द 12th क्वेश्चन ठीक है 12th क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है देखो 12th क्वेश्चन सेज log of mod of something to the base 100 is this तो मैं लिख सकता हूँ mod of x plus y का वैल्यू 100 की पावर हाफ दैट विल बी 10 तो फर्स्ट चीज आपको ये पता चलेगी यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से आप लिख सकते हैं y बाय mod x ठीक है अब ये वाली चीज 2 है और ये 10 स्क्वायर है 2 स्क्वायर तो दोनों 2 बाहर आ जाएंगे तो log 2 बेस 10 लिखा हुआ है तो ये मुझे पता चला y बाय mod x इज नथिंग बट 2 ठीक है ये चीज लिखी हुई है ओके अब देखो x का वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आपको y हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा क्यों देखो क्योंकि y आपका है 2 mod x ठीक है y है आपका 2 mod x और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है x प्लस वाई अब ये देखो जब ये दोनों पॉजिटिव है when x and y are positive mod of x plus y can be written as mod x plus mod of y ठीक है अगर दोनों पॉजिटिव है तो मैं क्या बोल सकता हूँ mod of x आ गया y आ गया 2 mod x is equal to 10 तो आपके पास आ गया 3 mod x is 10 तो आपके पास mod x का वैल्यू आ गया 10 by 3 10 by 3 तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं अगर आपका mod x 10 by 3 है तो y आपका क्या आ जाएगा तो अगर mod x 10 by 3 x पॉजिटिव x is 10 by 3 y will be what 2 times of this तो y will be 20 by 3 करेक्ट बट व्हाट इफ माय एक्स वैल्यू इज नेगेटिव अगर मेरा एक्स का वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा देखो y हमेशा पॉजिटिव है लेट्स से एक्स इज नेगेटिव तो अगर आपका x नेगेटिव है तो y का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 2 mod x दैट विल बी माइनस ऑफ 2x करेक्ट माइनस 2x क्योंकि x नेगेटिव पुट करेंगे तो ही आंसर पॉजिटिव आएगा ठीक है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं mod ऑफ x प्लस y इज माइनस 2x इज 10 यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा mod of minus x is 10 तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा बट यहाँ पे x नेगेटिव है मतलब x का वैल्यू आपके पास माइनस 10 है तो अगर आपका x माइनस 10 है तो आपका y कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा करेक्ट सो व्हाट इज द फाइनल आंसर दैट वी हैव द सॉल्यूशंस ऑफ x एंड y इज 10 बाई 3 20 बाई 3 एंड या और बोल लो आप इसको इट्स नॉट एंड और x अनदर वैल्यू पॉसिबल इज माइनस 10 20 so note this down then we'll be going for logarithmic inequalities